नमस्ते दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेट से संबंधित। रेट एग्जाम में इस बार जो प्रायिकता का टॉपिक नया जुड़ा है, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रायिकता की। इसके अंदर आप कितना भी पढ़ लो, आपको नए नए क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। परंतु जो ये पाँच क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, 1 से 5 क्वेश्चन है, ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित है। और इन क्वेश्चनों में से दरअसल एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो एक बार हम इन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कौन सा है अपना? एक लीप वर्ष में केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 366 होती है। 366 दिन होते हैं, तो अब कितने सप्ते होंगे? एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो हम टोटल सप्ताह देखते हैं, इसमें कितने सप्ताह आ रहे हैं। तो इसमें 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं और 2 दिन शेष बच जाते हैं। ठीक है, इसमें भाग दोगे ना 366 में, तो 52 बार पूरा पूरा जाएगा और 2 दिन शेष बचते हैं। अब देखो, 52 बार भाग जाने का मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि 52 बार सोमवार आएंगे, 52 बार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सब चीज़ें 52 बार आएगी। परंतु ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि 53 बार कौन कौन आएगा। ठीक है, तो ये 2 दिन आने की संभावनाएं क्या क्या बन रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं। देखो, हम माने कि 2 दिन इस प्रकार से हो कि सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये एक संभावना बन सकती है इन दोनों दिनों की। और इसी ये 2 दिन की जो संभावनाएं बनेंगी ना, इसी से ये प्रश्न सोल्व होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मंगलवार आ जाए और बुधवार आ जाए, ये भी दिन बन सकता था दोस्तों। ठीक है ना, इसी प्रकार से बुधवार आ जाए, बुध और गुरु आ जाए। समझ में आ रहा है दोस्तों? गुरु और क्या आ जाए? शुक्र आ जाए। इसी प्रकार से फिर बात करें हम, शुक्र और क्या आ जाए? शनि आ जाए, शनि और रवि आ जाए। और यहाँ पे रवि और सोम आ जाए। तो अब देखो, प्रश्न लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। ये 7 संभावनाएं बनती हैं, 8वीं संभावना क्यों नहीं बनी? 8वीं संभावना में हम फिर से क्या करेंगे? सोम और मंगल, तो सोम और मंगल तो यहाँ पे आ चुका है, इसलिए दोस्तों केवल ये 7 संभावनाएं बनती हैं। आपको याद रख लेना है लीप वर्ष में 2 दिन आने की टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती है? 7 संभावनाएं। वो किस प्रकार से बन सकती है? देखो, सोम मंगल 1 संभावना, मंगल बुध 2 संभावना, ठीक है, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि और रवि सोम। ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि केवल 52 बार सोमवार आना चाहिए। तो अब 52 बार सोमवार आ गया, तो अब सोमवार नहीं आना चाहिए। तो इन 7 दिनों में सोमवार आपको कहाँ कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसे ही देख लो। एक तो इस संभावना में नहीं है, देखो एक बार हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे सोमवार नहीं है। कहाँ सोमवार नहीं है दोस्तों? यहाँ पे सोमवार नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। इन 5 जगहों पर आपको सोमवार दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ और यहाँ सोमवार है। यदि ये इस प्रकार से आ जाएंगे दिन, तो 53 बन जाएंगे सोमवार। तो अपने पास केवल 52 सोमवार आने के लिए अनुकूल स्थितियाँ ये बनती है कि ये 2 दिन इस प्रकार से आए, या तो मंगलवार बुधवार आ जाए, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, तो केवल 52 बार ही आके रह जाएंगे सोमवार। इस केस में टोटल 7 स्थितियाँ थी अनुकूल, सॉरी कुल स्थितियाँ कितनी थी अपने पास? 7 स्थितियाँ थी और केवल 52 बार सोमवार आने के लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही? 1, 2, ये वाली। कौन सी वाली दोस्तों? एक तो ये बन रही, एक ये और एक ये, तो 5 स्थितियाँ बन रही है। प्रायिकता क्या होगी? 5/7। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए, एक लीप वर्ष में केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/7 होगी। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 52 मंगलवार आने की प्रायिकता पूछे केवल 52, तो भी आंसर यही होगा। 52 शुक्रवार आने की प्रायिकता पूछे तो भी यही होगा। यानी कि कोई सा भी बार पूछे आपको 52 बार आने के लिए, तो क्या होगी लीप वर्ष में? 5/7 होगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक लीप वर्ष में 53वां सोमवार नहीं आने की प्रायिकता, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसको घुमाया है। अब आपको पता हो, अभी हमने बताया था कि 366 दिन होते हैं इसके अंदर लीप वर्ष में, जब इसमें 7 का भाग देते हैं तो 52 बार जाता है और 2 दिन शेष बचते हैं। 2 दिन क्या क्या हो सकते थे? अभी मैंने बताया आपको, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध
गुरु गुरु शुक्र शुक्र शनि शनि और रवि रवि और सोम, ये सात संभावनाएं दोस्तों बनती थी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था ये सात संभावनाएं बनती। अब ये बोल रहा है कि 53वां सोमवार नहीं आना चाहिए, केवल 52 सोमवार ही आने चाहिए। केवल क्या आने चाहिए? 52 सोमवार ही आने चाहिए। तो 52 तो इसमें आएंगे आएंगे। अब 53वां सोमवार नहीं आना चाहिए तो वो क्या क्या आ सकता है? मंगल बुध बुध गुरु गुरु शुक्र शुक्र शनि आ सकता है। तो टोटल कितनी स्थितियां बन रही है? अनुकूल स्थितियां कितनी बन रही है अपने पर्सन के लिए? 5 बन रही है। कितनी स्थितियां है? कुल स्थितियां कितनी है? 7 है। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? 5/7 होगा। जरा सा कन्फ्यूजन किया, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? पर्सन को बिल्कुल संयम से सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साधारण वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल 52 रविवार आने चाहिए। साधारण वर्ष में क्या होता है? दिनों की संख्या 365 होती है दोस्तों। 365 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा पूरा चला जाता है और एक दिन शेष बचता है। ये एक दिन डिसाइड करता है पूरे क्वेश्चन में कि केवल 52 बार आएंगे रविवार या 53 बार आएंगे। तो ये एक दिन क्या हो सकता है दोस्तों? एक दिन इस प्रकार से हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, रवि हो सकता है, ठीक है? तो आप फिर अगला क्या आएगा? सोम। तो सोम तो यहाँ पे आ चुका है, आ रहा है ना। तो टोटल 7 स्थितियाँ बनती है। अब देखो केवल अपने को 52 रविवार चाहिए, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ ही गए। अब रविवार नहीं आना चाहिए, जो ये एक दिन बच रहा है ना लाडलो। अब ये क्या नहीं आना चाहिए कि 52, ये एक दिन जो बच रहा है ये रविवार नहीं आना चाहिए, अन्यथा 53 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रविवार नहीं आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही है? यही बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुकूल स्थिति 6 और कुल स्थितियाँ कितनी है? 7 है। तो इस क्वेश्चन के आंसर होगा लाडलो 6/7। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है कि एक साधारण वर्ष में 53वां शुक्रवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और यहाँ पे जब 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ते पूरे पूरे हो जाते हैं और एक दिन शेष बचता है। इस क्वेश्चन में ये एक दिन ही डिसाइड करेगा कि 53वां शुक्रवार आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 52 बार तो आएंगे ही आएंगे, 52 सप्ते पूरे हो गए। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था इस एक दिन के लिए कितनी संभावनाएं बनती थी? 7 संभावनाएं बनती थी दोस्तों। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको 53वां शुक्रवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 53वां शुक्रवार यानी कि ये जो एक दिन शेष बच रहा है ये शुक्रवार आ जाए तो अपने पास क्या बन जाए? 53 शुक्रवार बन जाए। तो इस क्वेश्चन में हम देखें शुक्रवार आने की अनुकूल स्थिति केवल यही बन रही है, एक ही। तो अनुकूल स्थिति 1 बन रही है दोस्तों, और कुल स्थितियाँ कितनी है? 7 हैं। तो प्रायिकता क्या होगी अपनी? 53वां शुक्रवार आने की, 1/7। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? एक लीप वर्ष में 53वां मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। लीप वर्ष की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो लीप वर्ष में क्या होता है? दिनों की संख्या 366 होती है और 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा पूरा चला जाता है, 52 बार पूरा पूरा चला जाता है और 2 दिन शेष बचते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि वो 2 दिन क्या हो सकते थे। चलो एक बार उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो ये 2 दिन क्या हो सकते थे? देखो ये इस प्रकार से घटित हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार गुरुवार शुक्रवार शुक्रवार शनिवार शनिवार रविवार रविवार सोमवार। आपको इस क्वेश्चन में अपने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है 53वां मंगलवार आने की प्रायिकता, तो क्या आना चाहिए अपना 53वां मंगलवार? तो यहाँ पे 2 दिन जो बच रहे हैं वो मंगलवार आने चाहिए। तो मंगल आपको एक तो इसमें दिख रहा है और एक आपको इसमें दिख रहा है, बाकी में मंगलवार आया ही नहीं। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही है? 2 बन रही है, और कुल स्थितियाँ कितनी है? 7। तो मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? 53वां 2/7। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो 2 अनुकूल स्थितियाँ बनेगी, मंगलवार आपको 7 स्थितियों में से 2 स्थितियों में दिखेगा, तो 2/7 अपना आंसर होगा। आपको घबराना नहीं है, मंगलवार की जगह बुधवार पूछे, 53वां बुधवार आने की प्रायिकता पूछे तो भी 2/7, 53वां रविवार आने की प्रायिकता पूछे तो भी 2/7। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना
और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।